चलो बेटा कहाँ तक हुआ था कल अपना? चलो बेटा कहाँ तक हो गया था अपना? कौन सा क्वेश्चन हो गया था? क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11। टेन हो चुका था कि करना है? हो चुका था ना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 140 पे। एक बुक बेटा मुझे दे दो, तुम दोनों एक बुक में से देख ले ना। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 11 में? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अतुल। अतुल की बुक में हमें जर्नल एंट्री करना, नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए है, यहाँ पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ अतुल। आगे ध्यान रो बेटा, मैंने जनरल एंट्री में कंसेप्ट बताया था, हमें सबसे पहले केस को कंसीडर करना है। अगर केस आता है तो केस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ना। जनरल एंट्री में डेबिट का मतलब यहाँ पे प्लस हो जाता है। और अगर आपके बिजनेस से केस जा रहा है तो केस को हम करते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, पहली एंट्री में क्या कहा इन्होंने? 1 जनवरी 2017 को कमेंस बिजनेस विद केस। बिजनेस स्टार्ट करा आपने केस लगाकर। आपने आपके बिजनेस में कितना केस लगाया? देखो 12,000 रुपए। तो बिजनेस में केस आया कि गया? बिजनेस में कैश आया। आपने आपके घर से आपके बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में कैश आया। कैश आता है तो कैश डेबिट होगा। 2017 एक जनवरी का क्या कैश आया? तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। टू थोड़ा आगे लिखेंगे, टू स्टार्टिंग में आपने जो कुछ बिजनेस में लगाया उससे बोलेंगे हम कैपिटल। नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। स्टार्टेड विथ कैश, कैश लगा के बिजनेस हमने स्टार्ट करा है। अगला जनवरी सेकेंड, 2 जनवरी को आपने क्या करा है? बैंक में पैसा जमा करा है। आपके पास कितना था? 12,000 रुपए बिजनेस में। इस 12,000 में से आपने 6,000 रुपए बैंक पे जमा करा तो आपके बिजनेस से कैश गया कहां पर? गया बैंक में। तो प्लस कौन होगा? बैंक। और नीचे आएगा टू कैश। जनरल एंट्री क्या हुई? कहां पे प्लस हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए। कैश गया तो कैश को हम कर देंगे माइनस टू कैश 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। नरेशन में क्या करते हैं? Being cash deposited, जमा कर दिया ना, ईडी लगा देंगे, deposited into bank, bank पे जमा करा। अगली एंट्री 5 जनवरी की है ना, गुड्स बॉट फ्रॉम साहिल। साहिल बॉट मतलब परचेस करना, खरीदा। साहिल से हमने खरीदा है। बेटा जब भी आप सामान खरीदने जाओगे तो आपकी जेब से पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। पैसा जाएगा मतलब नीचे आना चाहिए कैश, तो ऊपर क्या आएगा? परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश जाएगा तो परचेस ऊपर आएगी, टू कैश आना चाहिए था। कैश कब आएगा? जब क्वेश्चन स्पेशली कहे कि ट्रांजेक्शन नगद हुआ है। लेकिन जब नाम आ जाता है और कुछ कहा नहीं है, इसमें लिखा गुड्स बॉट फ्रॉम साहिल, साहिल से खरीदा, कुछ नहीं कहा, तो हम ऐसा मानेंगे यहाँ पर कि ये साहिल से हमने उधार खरीदा। और जब भी आप उधार खरीदते हैं तो आपके पास आपको कैश देना पड़ेगा, इसलिए वहां पे नाम आ जाएगा साहिल। ठीक है, क्या हो गया? परचेस अकाउंट डेबिट टू साहिल।
8000 रुपए का सामान आपने उधार खरीदा, नगद तो खरीद ही नहीं सकते थे क्योंकि आपका 6000 रुपए तो पड़े थे नगद, 12 में से 6 बैंक पे जमा कर दिया, 6 आपके पास पड़ा था, 8000 का आपने सामान खरीदा उधार। अब साहिल को आपको पैसा देना, जिस व्यक्ति को पैसा देना वो आपका क्या होता है, क्रेडिटर्स। क्लियर है? थ्योरी भी मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ आपको, क्रेडिटर्स। बीइंग नरेश लिख द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट में परचेज किया था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या का, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा। लाइक आप किसी कंपनी में अकाउंटेड, आप अकाउंटेड तो आपको पता है आपने सामान खरीदा तो नगद खरीदा है उधार खरीदा है ना, प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें हमें ये मानना चले पड़ेगा कि अगर नाम लिखा है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ट्रांजेक्शन उधार है। जब तक स्पेशली ऐसे स्पेशली क्वेश्चन कह सकता है गुड्स बॉट फ्रॉम साहिल है ना फॉर कैश, कहेगा कैश में तू मानेंगे तो फिर आप कर देते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे एंट्री में क्या कहा है, 10/9 तारीख का गुड्स सोल्ड टू बलदेव, बलदेव को हमने सामान बेचा है कितने का, 4000 रुपए का सामान बेचा है। बेटा आप शॉपकीपर, आपने सामान बेचा है सेल करा तो आपको पैसा लेना पड़ेगा, कैश आएगा तो हम क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन यहाँ पर भी नाम आ गया तो हम ऐसा मानेंगे कि बलदेव को हमने उधार सामान बेचा है 9 तारीख का, 9th of January का। बलदेव कैश आना तो कैश नहीं आ रहा, बलदेव से आना है तो उसको हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बलदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का बेचा है, 4000 का, 4000 रुपीज। बलदेव से आपको 4000 रुपए 4000 रुपीज लेना है, और जिससे लेना है वो आपका डेटर्स, और डेटर्स का रिचार्ज डेबिट का होता है, क्रेडिटर्स का रिचार्ज क्रेडिट का होता है। नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेचा, बलदेव को आपने 9 तारीख को सामान बेचा था 4000 रुपए का, ये बलदेव इसको 4000 का सामान बेचा था 9 तारीख को, इन्होंने बोला था मैं आपको पैसा 1-2 दिन में दे दूंगा। अगले दिन बलदेव आया 10 तारीख को आपको सामान का पैसा देने के लिए, देखो क्या था, कैश रिसीव्ड हुआ आपसे बलदेव से, कितना मिला, 3800 रुपए, लेना कितना था उनसे 4000 रुपए, मिला कितना 3800, 200 रुपए का आपने क्या करा बलदेव को डिस्काउंट दे दिया। आपने डिस्काउंट दिया, जब भी डिस्काउंट देते तब डिस्काउंट डेबिट होगा है ना, आपके पास कैश आया, कैश आता तो प्लस में डेबिट। 10 जनवरी का कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आया, 3800, डिस्काउंट दिया है आपने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना, 200 का डिस्काउंट, तो किससे मिला है कैश, बलदेव से, तू बलदेव कितना, 4000। तो बेटा बलदेव को 4000 से प्लस करा था तो इसको माइनस भी आपको 4000 से करना पड़ेगा, तब उसका हिसाब क्लियर होगा। मतलब बलदेव से 4000 लेना था, 4000 से प्लस करा था, 4000 मिल चुके, जबकि एक्चुअल में आपको मिले 3800 कैश आया, 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, ये एक तरीके से आपका लॉस हो गया। और जनरल एंट्री का रूल क्या है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एक डिस्काउंट आप जब देते हैं तो एक तरीके से वो आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि उससे लेना था 4000 मिले 3800, 3800, तो 200 रुपए जो नहीं मिले वो आपका लॉस है, ये डेबिट होगा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड हुआ एंड डिस्काउंट दिया है आपने, अलाउड करा एंड डिस्काउंट अलाउड, ये हो गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, 16, 20 और 24 जनवरी के 3 और बाकी, यहां तक उतारो पहले।
चलो अब आगे देखो, इसमें एक अगला ट्रीटमेंट देख लो पहले। एंट्री क्या हो सकती है, देखो हो गया बेटा आपका। चलो अगला देखो, 16 जनवरी का पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। बेटा आप बताओ एंट्री क्या हो सकती है, आपने ऑफिस के खर्चे पेड करे चुका है, क्या समझ रहे हो एंट्री से? हाँ तो केश गया, केश जाता तब कहां पर आता है, नीचे है ना क्रेडिट साइड, तो ऊपर क्या आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस। जनरल एंट्री क्या हुई, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केश। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। हो गया, करो फिर आ गई नवीन एंट्री, करो फटाफट। और 20वें नंबर की एंट्री कौन करके बताएगा वो तो। हो गया 20वें नंबर की एंट्री, देखो नरेशन लिख, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। क्या होगी एंट्री अगली, पढ़ो जल्दी। बताओ बताओ क्या होगी एंट्री, आ रही कुछ समझ में? क्या होगा बेटा, समझा तो सकते हो कि सर ये इस चीज का है? आप एक, मैं आपकी बात कर रहा हूँ या अतुल को ना, आप वो, आप एक व्यापारी हो, आप किसी से लेन देन करते रहते हो बिजनेस में, तो ये मत सोचो ये फुल सेटलमेंट साहिल क्या है। ऊपर देखो साहिल से कुछ लेन देन किया होगा इन्होंने, दिख रहा है क्या किया साहिल से, माल खरीदा था, हमने खरीदा था तो हमें साहिल को कितना देना था, 8,000। लेकिन पूर्ण भुगतान में, फुल सेटलमेंट में हमने कितना पेमेंट दिया उसको, 7,700। तो क्या हुआ, 300 रुपए क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ ना, दिया है कि मिला है, मिला है कि वो मिला है दिया है। हाँ तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट मिला है तो ये पेड साहिल, हाँ अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 300 साहिल है, इसको 8,000 देना था आपको, आपने 8 की जगह कितना दिया इसको, 7,700 रुपए आपने दिया है, आपकी जेब से कैश गया है, कैश गया नीचे नीचे, इनसे 300 रुपए का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला वो भी क्रेडिट में, तो ऊपर किसका नाम आएगा, साहिल का, साहिल का। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, साहिल को क्रेडिट करा था आपने, तो जब भी किसी का हिसाब खत्म करना तो उसको है ना अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा, इट मीन साहिल को हम क्या करेंगे, साहिल अकाउंट डेबिट कितना देना था, जितने से क्रेडिट करा था उतने से ही डेबिट करना पड़ेगा 8,000 से। तू हमने क्या करा, उसको कैश कितना दिया, 7,700, 7,700 गया है कैश, और डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट कितने का मिला, 300 का। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड करा है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड मिला
समझते क्यों नहीं बेटा, जर्नल एंट्री आपको खाली पास होने के लिए नहीं करना है, फ्यूचर वही बंदा आपको अच्छी सैलरी देगा जब आप इंटरव्यू में परफेक्ट हो गए। इस चैप्टर को कम से कम 3 बार करना आपको इसी महीने में। अगर ये चैप्टर कर लिया आपने 3 बार इंटरव्यू एकदम परफेक्ट कर ली, तो आपको आगे के किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आना है, क्योंकि अब प्रोफेशनल लाइफ मतलब एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़ते ना कैपिटल समझ में आता ना परचेस ना क्रेडिट डेबिट कुछ आता ना, इसको करो ये एंट्री का। इसके बाद अगली एंट्री क्या है इसमें बताओ, अगली एंट्री एंट्री बताना सर। इसे ड्रॉ करा है पर्सनल स्केल तो ड्राइंग करिए सर। हाँ सही है, ड्राइंग से जो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हाँ टू बैंक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है भैया। उतारो दोनों एंट्री। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, लेकिन पैसा कहाँ से निकाला, आपके बैंक से, तो बैंक को माइनस करेंगे। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्या अगेन डिस्काउंट आ गया है? सबसे पहले को पास द जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन पे ध्यान दो। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। प्रसाद की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज करना है। देखो क्या कहा, मार्च फर्स्ट को कमेंस बिजनेस विद केस 10,000 रुपीज एंड गुड्स 8,000 रुपीज ना। प्रसाद ने व्यापार चालू करा था 10,000 रुपए, तो उसने बिजनेस में नगद लगाया, मतलब बिजनेस में 10,000 रुपए आए। ठीक है, और गुड्स लगाया, स्टॉक लगाया 8,000 रुपए का, 8,000 का स्टॉक आया बिजनेस में, जो आया उसको प्लस, और स्टार्टिंग में बिजनेस में जो कुछ लगाया कैश गुड्स फर्नीचर कैपिटल होती है। तो एंट्री क्या हुई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट मार्च को बिजनेस में क्या आया, कैश आया कितने का, 12,000 का ना, 18,000 का ना। स्टॉक आया, स्टॉक अकाउंट डेबिट 18,000 का कैश आया। अरे तो 10 का ही है, दोनों मिला के 18,000। अरे क्यों एडवांस बनता, मैंने जो पूछा वो बता ना। 10 और 8, 10,000 का कैश, 8,000 का स्टॉक, दोनों मिला के बिजनेस स्टार्ट करा, मतलब टू कैपिटल। कैपिटल कितनी अपनी, 18,000, 18,000 रुपए बी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। ठीक है, अब सेकेंड क्या होगा बेटा, सेकेंड एंट्री बाद में उतार लेना, मैं टाइम दूंगा। सेकेंड एंट्री देखो,
गुड्स सोल्ड हमने बेचा 2000 रुपए का गुड्स बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर फोर कैश नगद बेचा है। सुरेश को नाम भी आ गया और नगद भी लिखा इसमें फोर कैश टू सुरेश। बेटा 2000 का गुड्स था इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पर बेचा अपन ने, एक से एक 200 रुपए का डिस्काउंट। इट मीन्स हमने 2000 का गुड्स कितने में बेचा है 1800 रुपए में। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, ये माना जाएगा कि 1800 रुपए में ये अपन ने बेचा है। 1800 रुपए आपके पास कैश आया है, कैश आया है, कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आया 1800 1800 टू कैसे सेल्स से, ये हो गया 1800 रुपए। बस ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं, नरेशन में लिख देंगे हम बी गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। कितनी तारीख है 8 मार्च, 8 मार्च का। फिर इसके बाद देखो क्या है, पेड मोहनलाल 575, 575 रुपए आपने पेड मतलब दिए हैं मोहनलाल को, दिए मतलब हमारे पास से पैसा गया। इन फुल सेटलमेंट पूर्ण भुगतान में कितने ऑफ 600, मोहनलाल को आपको देना था 600 रुपए, उसके बदले में आपने दिए कितने 575 रुपए, 25 रुपए उसको कम दिए, आपको डिस्काउंट मिला है, मिला तो क्रेडिट, पेड करा डिस्काउंट गया मतलब कैश गया वो भी क्रेडिट, ऊपर क्या जाएगा मोहनलाल, क्या एंट्री हो जाएगी, मोहनलाल का अकाउंट डेबिट करा कितने से 600 रुपए से, लेकिन आपकी जेब से गया कितना है टू कैश 575 और आपको डिस्काउंट मिला है टू डिस्काउंट 25 रुपीज। ठीक है, कितने नरेशन में लिख देंगे बी कैश पेड टू मोहनलाल एंड डिस्काउंट मोहनी है क्या, ठीक है मोहन लिख लो ना, मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है, कितनी तारीख का था ये 15 मार्च का, 15th of March को। इसके बाद 20 मार्च को आपने परचेस करा था गुड्स 1000 रुपए का फ्रॉम रवि से 85% ट्रेड डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती बस कैलकुलेशन होगी। 1000 का कितना 5% डिस्काउंट, कितना 50 रुपए, 50 का डिस्काउंट मतलब 1000 रुपए का सामान आपको कितने में मिला है 950 रुपए में, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होनी नहीं। कितना करे परचेस अकाउंट डेबिट 950, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद तू नगद खरीदा तो इस पे कैश आता, उधार खरीदा नाम है ना इसमें, देख लो उसने कहा नहीं बस रवि से, तू रवि से खरीदा कितना 950 का कंप्लीट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती बस उसको घटा के एक्चुअल अमाउंट लिख देते। नरेशन में आएगा बीइंग गुड परचेस करा आपने एट 5% ट्रेड डिस्काउंट पे, ये हो गया। तारीख कितनी थी 20 मार्च की। अब इसके आगे एक मिनट और देखो आप कर लोगे खुद, चलो मुझे करवाना पड़ेगा पहले, हाथ तक उतारो ना जल्दी उतारो बेटा, अब आगे के एंट्री देखते हैं। 20 का 30 मार्च की और 31 मार्च की, 30 और 31 मार्च, सोचो क्या हो सकती है एंट्री, सोचो क्या कर भी सकते हो, कोई नई एंट्री नहीं पहले हो चुकी है। आ रही समझ में,
हमारी एंट्री क्या कर सकते है? आप कर रहे हो क्या एंट्री? स्लो कर रहे हो ना बेटा। बेटा बस इसमें इतना चाहता हूँ, मैं जैसे ही मैं पढ़ाऊँ ना तो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेट आपका बुक में हो, ठीक है? अब देखो इसमें लिखा विड्रो फ्रॉम पर्सनल यूज 500 रुपए कैश आपने बिजनेस से निकाले एंड बिजनेस से 100 रुपए का स्टॉक भी निकाला। लाइक बेटा आपके किराने की शॉप है, आपको घर में लग रहा है कि चावल दाल चावल चाहिए, तो आपने कह रहा 100 रुपए का स्टॉक निकाल लिया दाल निकाल के घर लेके। अबे 100 रुपए बेचने दक की दाल बेचने से आपके पास 100 रुपए आने वाले थे, लेकिन वो आने से रह गया, तो इस तरीके से ये लॉस हो गया। और 500 रुपए आपने कुछ लाइट आइट का घर का बिल भरने के लिए 500 रुपए और निकाल लिए बिजनेस से, तो ओवरऑल आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कितना निकाला? 600 रुपए निकाला है। मतलब ड्रॉइंग्स कितने की हुई है? 600 की हुई है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने का निकाला हमने? ड्रॉइंग्स 600 रुपए का निकाला है। बिजनेस से कैश कितना गया? 2 कैश आपके घर गया है बिजनेस से, 500 रुपए का तो कैश गया है और स्टॉक गया है। देखो जब स्टॉक आता गुड्स आता तो परचेस को डेबिट करते हैं बिजनेस में, जब जब स्टॉक आएगा परचेस अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से स्टॉक जा रहा है तो परचेस को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, क्योंकि स्टॉक आया तो हमने परचेस को प्लस कर दिया था, स्टॉक गया है तो परचेस को हमने क्या करा? माइनस कर दिया ना। नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग, ठीक है, कैश एंड गुड्स क्या करा? विड्रॉन करा है फॉर पर्सनल यूज, क्लियर। जब व्यापारी अपने निजी व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार से कुछ भी निकाल रहा है, ठीक है, कैश गुड्स स्टॉक असेट्स कुछ भी निकाल रहा, वो उसकी क्या हो जाती है? ड्रॉइंग्स हो जाती है। बिजनेस से ये दोनों चीजें निकली है इसलिए माइनस करा है, गई बिजनेस से। अब आखिरी एंट्री क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट कितने का? 90 रुपए का टू इंटरेस्ट, ये हो गया 90 रुपीज। नरेशन में लिख सकते बीइंग इंटरेस्ट रिसीव हो गया दोनों की एंट्री 30 और 31 मार्च का, 30 मार्च एंड 31 मार्च, क्लियर है। टोटल कर लेना यहाँ पर, कर देना फटाफट उतार लो इसको, जल्दी उतारो बेटा, एक क्वेश्चन और करना अपने को। इतना नहीं किया इसने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पहली एंट्री आ गई, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स युवराज एंड कंपनी। युवराज एंड कंपनी के इसमें हमें जर्नल एंट्री करना है। 2017 में जुलाई 1 को उसने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगाकर, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आ रहा है प्लस में करा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, पहली एंट्री उतारो फटाफट।
फॉर्मेट बनाओ, पहले इंटरव्यू था रहा। ओके बेटा, सेकेंड एंट्री क्या कहा है? 10th of July, 10 जुलाई को बॉट गुड्स फ्रॉम अमर से खरीदा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे ट्रेड डिस्काउंट आया, आपका दिमाग में क्या होगा, सर इसकी एंट्री नहीं होगी, बस अमाउंट घट जाएगा, है ना? कितने का? 3000 का 10%, 300 रुपए, मतलब 300 रुपए माइनस कर दो, 2700 रुपए का आपने स्टॉक खरीदा है, परचेस करा है, एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट। खरीदा है तो फिर केस जाएगा, अभी गया नहीं, उधार खरीदा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अमन 2700 रुपए की। हो गया, ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर को देंगे, केस हो या क्रेडिट हो। नरेशम लिखता है बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा ना ऑन क्रेडिट एट 10%, एट द रेट लगा देना एट 10% TD। ओके, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट एट 10% TD। नरेशन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, ऑन क्रेडिट उधार खरीदा ना आपने। अगली एंट्री क्या हो सकती है? गुड्स सोल्ड टू बिहारी जुलाई का है ना? हाँ। बिहारी, कोई बंदा आया आपकी दुकान पे बिहारी, उसको आपने 2000 रुपए का सामान बेचा है। हाँ। देखो इनवॉइस प्राइस कितने की थी? 2000 की। कितने में बेचा है आपने? लेस कर दो 8% TD ट्रेड डिस्काउंट पे। 2000 का 8% कितना हुआ? 2000 का 8% 160 रुपए, 160, 8 × 16 04 8, 1840 रुपए आपको उससे लेना है। ठीक है भैया, आपने बेचा कितने का? 2000 का। आपने बोला चलो इस पे 8% हमने आपको डिस्काउंट दिया, 160 रुपए डिस्काउंट हो गया, कितना पेमेंट उससे लेना है? 1840, 1840 आपको लेना है, कैश आएगा। अगर उसने नगद दिए तो कैश अकाउंट डेबिट, और उधार दिया तो उसका नाम आ जाएगा बिहारी, है ना? उधार है क्या ट्रांजेक्शन? देख लो, नाम दे रखा खाली, कैश का नहीं कहा उसने, नाम दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे? बिहारी के अकाउंट को डेबिट कर दिया टू, नीचे क्या लिखे? तू सेल्स आया क्या? गया, या तो परचेस होगा या सेल होगा। 1840 परचेस और सेल तो अपनी जगह पे फिक्स है, आना ही है। बी क्या करा आपने? गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है 8% TD। ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन स्पेशली कहेगा, अभी मत उतारो बेटा, एक मिनट देख लो ये क्वेश्चन। अब बिहारी से आपको कितना लेना है? कितना लेना है? 1840 रुपए लेना ना, 1840 रुपए लेना है। अगली एंट्री में देखो क्या कहा उसने, बिहारी आया
पांच दिन बाद बिहारी गिफ्ट्स केस, बिहारी ने हमें केस दिया इन फुल सेटलमेंट, पूरे सेटलमेंट में कितना रुपए दिया आपने? 1800 रुपए उसने हमें और केस दिया। लेना कितना था? 1840, लेकिन मिला उससे कितना उससे फुल सेटलमेंट में? जब केस रिसीव या केस पेमेंट करते टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है, लिया जाता है, सिर्फ केस डिस्काउंट कहते हैं ना। आपके पास केस आया, केस अकाउंट डेबिट कितना आया? 1800 रुपए हमने केस को प्लस कर दिया। डिस्काउंट दिया ना आपने बिहारी को, ये कौन सा डिस्काउंट है? केस डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने का दिया? 40 रुपए का टू बिहारी 1840। मैं वापस से कह रहा, जब भी अकाउंट पूरा क्लोज करना तो जितने से बिहारी को डेबिट करा था उतने से ही बिहारी को क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। नरेशन में लिख देंगे बी केस रिसीव्ड हुआ है एंड डिस्काउंट अलाउड करा है, आपने दिया है डिस्काउंट। अगली एंट्री में देखो क्या कहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम रितेश, रितेश से खरीदा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% केस डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, केस डिस्काउंट की होगी। इनवॉइस प्राइस कितने था गुड्स का? 4000 रुपए का, लेस कर दो इसमें से कितना? 400 रुपए 10% क्रेडिट ट्रेड डिस्काउंट 400 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, 3600 रुपए से परचेस की एंट्री होगी। परचेस अकाउंट डेबिट, आपको डिस्काउंट मिला। देखो केस का भी कहा है, हो सकता है क्या ट्रांजेक्शन क्या है नगद किया है, केस डिस्काउंट दिया ना उसने, अपन ये मान लेते ये नगद दिया है आपने, परचेस नगद खरीदा है आपने, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? 2% का सीडी केस डिस्काउंट, किस पे? घटी हुई कीमत पे, 3600 रुपए पे कितना? 2% का 3672 रुपीज का डिस्काउंट मिला। इट मीन कितना? 8, 9, 7, 2, 3500 आपने पेड करे होंगे। परचेस अकाउंट डेबिट 3600 रुपए, आपने कैश कितना दिया? टू कैश 3528 और डिस्काउंट मिला है आपको टू डिस्काउंट 72 रुपीज। हो जाएगी एंट्री, करो भी इसको। ये एक्चुअल परचेस है ना, एक्चुअल परचेस उतारो फटाफट। पच्चीस की है ना 25/7 डेट जरूर लिखना, डेट मंथ कुछ भी गड़बड़ हो गया प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। आखिरी एंट्री बेटा कैसे करोगे? 31st of July सोचो क्या हो सकती है एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कितनी एंट्री करोगे? सैलरी दी आप मालिक को, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब नहीं कर रहे, हम मालिक है, हमने किसी को सैलरी दी एम्प्लॉय को, कैश गया, कैश गया मतलब नीचे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरे नंबर पे आप क्या, आपने फिर किराया दिया, दिया कैश गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और वेजेस दी, मजदूरी दी, वेजेस मतलब मजदूरी दी आपने, पैसा गया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तीनों में क्या कॉमन है? कैश। तो कैश को हम क्या लेते हैं? कॉमन। तो हमने क्या क्या दिया? सैलरी दी सर, सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट, किराया दिया रेंट अकाउंट डेबिट, मजदूरी दी वेजेस अकाउंट डेबिट,
कितनी सैलरी थी? 200 रुपए सैलरी दी, 150 रुपए का रेंट दिया, 50 रुपए की वेजेस दी, तीनों ही कंडीशन में केस गया। केस जाता है तो नीचे टू केस, कितना केस गया? 400 रुपए आपकी जेब से गया है। पेड करा आपने, नरेशन मीडिया लिख देंगे। विंग सैलरी रेंट एंड वेजेस पेड चुकाया है, पेड करा है, कंप्लीट। इसे बोलते कंबाइंड एंट्री, या तो तीन एंट्री करो एक। जब सेम कैटेगरी की एंट्री एक ही दिन में हुई है, ये कब हुई है? 31 जुलाई को हुई है ना, 31 जुलाई को। एक ही दिन में एक जैसी एंट्री हुई है, मतलब सेम कैटेगरी की, तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते। अगर 31 जुलाई को होती और 2 अगस्त को होती ना रेंट वाली, तो अलग अलग एंट्री होती, एक ही दिन में हुआ कर सकते हम, ठीक है? कर लो। बेटा कुछ गलती हो गई, फिर गलती हो गई आपसे, तीनों डेबिट करा, 2 कैश का गया। अगर टेली अभी मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा, तो उसमें समझ में जाएगा कितनी गलती और हो गई है। ये हम पैसे की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम हिसाब किताब रखेंगे, आपने एक हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया, समझ रहे हो? पैसे का झोलझाल हो जाएगा ना। 10,000 का पेमेंट करा आपने, 3 जीरो ही लगाए, 1,000 हो गया है। जब हिसाब मिलाने बैठोगे तो 9,000 का आ गया, मिलेगा ही नहीं। जब हम अकाउंटिंग का वर्क करते थे, एक 100-100 रुपए का जो डिफरेंस आता था ना, उसके लिए 2-2 घंटे में ढूंढना पड़ता था, 100 रुपए कहाँ गए, क्या हिसाब था, कुछ गलती करी हमने, बहुत प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप अकाउंट ट्रेड करोगे, एक कोई इंसान जब आपको पूरा बिजनेस का लेन देन सौंप देता ना, आपको 1-1 रुपए का हिसाब पता होना चाहिए। और कब पता होगा? जब ये रूल अच्छे से करोगे, ठीक। एक्चुअल में कहा है तो आपका चैप्टर हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे थे। बता दो इनमें से एक भी एंट्री की सर तो हमने पहली बार ही करी, सब एंट्री ओपन कर चुके हैं, रिपीट आ रहा। अगले क्वेश्चन में भी सेम एंट्री को रिपीट करना आपको, कर ही नहीं रहे। नवीन ने मेहनत नहीं करी, घर पे आके तूने भी कॉपी नहीं उठाई, तानिया ने भी नहीं अच्छे से कर पा रहे। ऑल इंडिया रैंकर क्या था हमारे यहाँ का, शगुन बढ़ जाती है, आता मेरे साथ बैठता था सर, पहला क्वेश्चन करवाते थे, एक ऑर्डिनरी सामान्य स्टूडेंट जैसा बैठकर देखता था। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन सर पढ़ाते थे ना, इतने में उसका हो जाता था कॉपी में, क्या बोलता सर सेम तो है पिछले साल, कुछ नया पढ़ा होता तो मैं रुक जाता। तो तुमको तो ये क्वेश्चन मैंने 10-12 बार रिपीट कर दिए। आपका होमवर्क है, पहले वापस दे रहा हूं मैं होमवर्क। चेक करूंगा मैं ना, ढूंढ लोगे ना। एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ढूंढना आती है, एग्जाम्पल बस, एग्जाम्पल नंबर 4, 6 7
8, एग्जाम्पल नंबर 4, 6, 7, 8, और 9 भी करो, है ना, 4, 6, 7, 8, 9, पांच क्वेश्चन दे रहा हूं। कल की छुट्टी रहेगी तो आपके पास दो दिन रहेंगे, कल है और मंडे, पूरा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? वो सब वो भी करना भी है, हिंदी का पूरा करना।